तो आज मैं आपको सम ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स दिखाने वाली हूँ. फ्रॉम गिवन वन टू एन नंबर्स पर्टिकुलर रेंज हम देंगे तो उसमें के इवन नंबर्स का सम हम अलग से निकालेंगे और ऑड नंबर्स का अलग निकालेंगे. तो एक्चुअल हम सी लैंग्वेज प्रोग्राम अब देखते हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे int i फर्स्ट इनिशियलाइजेशन के लिए अप टू रेंज n. देन हमको सम निकालना है तो इवन सम फर्स्ट इनिशियलाइज करेंगे जीरो से. एक वेरिएबल लिया इवन सम के लिए. ऑड का सम निकालना है तो उसके लिए हमने अलग से वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज जीरो किया. उसके बाद नेक्स्ट हम n की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे. तो सेम प्रोसीजर प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ n. देन हमें एक्सेप्ट करना है तो स्कैनफ फंक्शन यूज होगा. उसके बाद हमें पर्टिकुलर रेंज तक जाना है व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू n. देन यहाँ पे हमें इवन नंबर इफ लास्ट प्रोग्राम हमने देखा कैसे हम निकालते हैं. इवन नंबर है तो इफ i मोड टू इक्वल टू जीरो है तो इवन नंबर है. अभी हमें सम निकालना है इसलिए यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है इवन सम. वो जीरो है तो उसको हम ऐड करेंगे इवन सम प्लस जो भी आई की वैल्यू है वो क्या होगी ऐड होगी. अगर इवन है तो ये आएगा. तो अभी यहाँ पे हमने दो टाइप यूज किया है. अभी इवन नंबर है तो आई मोड टू इक्वल टू जीरो. अगर ये है तो वो सम करेगा. अभी ये पता है मोड टू क्यों हुआ है क्योंकि वो इवन नंबर है. ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में दिखाया कि इवन नंबर कैसे निकालते हैं. और सम का मेरा जो प्रोग्राम है हाउ टू फाइंड सम ऑफ वन टू एन नंबर तो सेम मैंने लॉजिक इवन सम इज इक्वल टू इवन सम प्लस आई लिया है. एल्स वो क्या होगा ऑड नंबर होगा अगर इवन नहीं है तो उसके लिए हम ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस आई. अभी आई वेरिएबल क्यों लिया है क्योंकि वो एक्चुअल नंबर है उसको हमें ऐड करना है. उसके बाद हमें यहाँ पे आई की वैल्यू वन से इंक्रीज करना है इसलिए आई प्लस प्लस आएगा यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट होगा व्हाइल का और यहाँ पे हमें सम प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ लूप के बाहर प्रिंट करना है. तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम वन टू पर्टिकुलर रेंज जो हमने दिया है वन टू एन नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट हम डिस्प्ले करेंगे सम ऑफ इवन नंबर्स इक्वल टू यहाँ पे वेरिएबल आएगा और यहाँ पे सपोज हमने टैब यूज किया सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू यहाँ पे वेरिएबल आएगा परसेंटेज डी. तो फर्स्ट तो एन कौन कौन से वेरिएबल आएंगे यहाँ पे ये डबल कोटेशन कंप्लीट. फर्स्ट तो एन आएगा फिर सम ऑफ इवन नंबर किया है तो इवन सम ये वेरिएबल आएगा. उसके बाद आएगा ऑड नंबर के लिए ऑड नम यह वेरिएबल आएगा. ब्रैकेट कंप्लीट देन गेट सी एच कंप्लीट हो गया. अभी हम फाइल किया देन एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे सपोज हमने 10 नंबर्स लिया तो फ्रॉम 1 टू n नंबर्स सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू 30 सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू
25. तो आप करके देखिए ये सम करेक्ट है कि नहीं. तो मेरा यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कुछ कमेंट कीजिए और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए तो आप मेरा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. देन गुड बाय.